हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि विजय की मच अवेटेड फिल्म बीस्ट का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ, ट्रेलर जबरदस्त एक्शन और थ्रिल से भरा हुआ है, साथ ही विजय का डैशिंग लुक तो देखने ही लायक है। ट्रेलर अच्छा लगा, लेकिन फिल्म की कहानी कुछ खास नहीं लग रही है। जैसे कि ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक मॉल को आतंकवादियों ने हाईजेक कर लिया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उसी मॉल में एक सोल्जर है। अब कैसे विजय उन आतंकवादियों का सामना करता है और कैसे लोगों को बचाता है, इसी के इर्द गिर्द फिल्म की कहानी लग रही है। अब ऐसी कहानी कई फिल्मों में दिखाई गई है। ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है जैसे कुछ फिल्मों की कॉपी है, लेकिन अब विजय फिल्म के लीड रोल में है तो भाई कुछ तो अलग होगा ही। बाकी ट्रेलर को देखें तो कहानी कुछ खास नहीं लग रही है। उम्मीद जरूर है कि फिल्म की कहानी और अच्छी होगी। तो आप सबको बीस्ट फिल्म का ये ट्रेलर कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वैसे क्या लगता है, क्या ये फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का सामना कर पाएगी या नहीं? 'Cause I'm not a politician, I'm a soldier। और जैसा कि हमने आपको अपडेट किया था कि एनिमल फिल्म में अब रश्मिका मंदाना को साइन किया जाएगा, तो जी हाँ, अब ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया है कि एनिमल फिल्म में रणबीर कपूर के अपोजिट रश्मिका मंदाना नजर आएंगी। आने वाले कुछ दिनों में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। KGF चैप्टर 2 का एक नया पोस्टर रिलीज किया गया है, जहां पर संजय दत्त अपनी सेना के साथ खड़े हुए हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाने वाली है। जिस तरह से RRR ने बॉक्स ऑफिस को हिला के रख दिया है, ठीक उसी तरह से ये फिल्म भी कलेक्शन के कई रिकॉर्ड बनाने वाली है। तो देखते हैं कि 14 अप्रैल को क्या होता है। किच्चा सुदीप की अपकमिंग फिल्म विक्रांत रोना का टीजर रिलीज कर दिया गया है, और साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी कन्फर्म हो गई है। टीजर की बात करें तो BGM काफी अच्छा लग रहा है, और साथ ही ग्राफिक्स भी काफी गजब के लग रहे हैं। जिस तरह से किच्चा सुदीप की एंट्री होती है, वो नाव दिखाया गया है, लोग ढोल बजा रहे हैं, वो सीन तो भाई देखने ही लायक है। कहानी के बारे में अभी ज्यादा कुछ पता नहीं चला है, लेकिन टीजर को देखकर इतना तो कह सकते हैं कि फिल्म कुछ तो खास होने वाली है। तो अब देखते हैं कि फिल्म का ट्रेलर कब तक आता है। तो ये फिल्म 28 जुलाई को कई भाषाओं में रिलीज होगी। और साथ ही नंदमुरी कल्याण राम की अपकमिंग एक्शन फैंटेसी ड्रामा फिल्म बिंबिसार की रिलीज डेट भी कन्फर्म हो गई है। ये फिल्म 5 अगस्त को रिलीज होगी। काफी अच्छी फिल्म होने वाली है, जिसमें कल्याण राम मगध साम्राज्य के सम्राट राजा बिंबिसार का रोल प्ले करने वाले हैं। हालांकि फिल्म में कुछ और कहानियां भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि टीजर में आज के दौर का भी कुछ सीन दिखाया गया है। तो देखते हैं कि फिल्म की कहानी कैसी होती है। जर्सी फिल्म का एक नया पोस्टर रिलीज किया गया है, साथ ही ये भी कहा गया है कि फिल्म का सेकेंड ट्रेलर कल मंडे को रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, तो देखते हैं कि इस दूसरे ट्रेलर में क्या कुछ देखने को मिलता है। ये फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज होगी। सैमुअल एल जैक्सन और उमा थुरमान एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म में साथ आ रहे हैं। इस फिल्म को निकोल पायोन डायरेक्ट करेंगे, जिसमें ये दोनों कलाकार लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म का नाम द किल रूम रखा गया है। तो देखते हैं कि फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट कब तक अनाउंस होती है। रवि तेजा की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म टाइगर नागेश्वर राव को आज लॉन्च कर दिया गया है। फिल्म का एक मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जहां एक पुरानी ट्रेन के सामने रवि तेजा को दिखाया गया है। जैसा कि हमने आपको अपडेट किया था कि टाइगर नागेश्वर राव एक बायोपिक फिल्म होगी, जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल नागेश्वर राव की जिंदगी पर आधारित होगी। इसमें रवि तेजा नागेश्वर राव का रोल प्ले करेंगे। रिलीज डेट अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये एक पैन इंडिया फिल्म होगी, जिसे 2023 में रिलीज किया जाएगा। अपने पहले हफ्ते में जबरदस्त कमाई करने के बाद RRR फिल्म अपने दूसरे वीकेंड में भी काफी अच्छा कलेक्शन कर रही है। कल फ्राइडे को फिल्म ने वर्ल्ड वाइड करीब 40 करोड़ का कलेक्शन किया था। जी हाँ, पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 710 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं अब अगर कल के कलेक्शन को मिला दें तो फिल्म ने 750 करोड़ के आंकड़े को पार कर दिया है। हिंदी में ही इस फिल्म ने कल 13.5 करोड़ का कलेक्शन किया था। अभी तक हिंदी में इस फिल्म ने 146 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। तो लगता है कि कल संडे तक ये फिल्म हिंदी में 175 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो मंडे को देखते हैं कि फिल्म अपने दूसरे वीकेंड में कितना कलेक्शन करती है। बात करें अटैक फिल्म की, तो फिल्म ने कुछ खास ओपनिंग नहीं की है। फिल्म के ट्रेलर को देखकर लगा था कि फिल्म 10 करोड़ तक ओपनिंग कर सकती है, लेकिन कल इस फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ 3.5 करोड़ की ओपनिंग की थी। जी हाँ, फिल्म काफी स्लो स्टार्ट हुई है। तो देखते हैं कि इस पहले वीकेंड में फिल्म कितना कलेक्शन करती है। आप सबको अटैक फिल्म कैसे लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।